Assalamu alaikum, class pre-9. In chapter number 2, we will continue our previous topic, that is decimal conversion. Number system conversion में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है decimal to hexadecimal conversion. Decimal base 10 and hexadecimal base 16. मैंने आपको पहले बताया था decimal number को किसी भी number में convert करना हो तो आपने जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसकी बेस से एलसीएम करते हैं. जिस तरह हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना था अगर डेसिमल को तो हमने 2 से एलसीएम किया था, इसी तरह अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 16 से उसको एलसीएम करेंगे. इसकी एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं. हमारे पास हम लोग एक नंबर लेते हैं जो है 271. हम लोग एक डेसिमल नंबर ले रहे हैं जो है 271. इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में. हेक्साडेसिमल आप लोग को पता है कि 0 to 9 एंड ए टू एफ जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. इसमें हम लोग कन्वर्ट जब करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 271 को जो है वो एलसीएम इस तरह करेंगे कि 16 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करने से 16 ones are 16 आएगा, क्योंकि 16 twos are 32 हो जाता है. 16 ones are 16 आएगा और इसके बाद 11 यहाँ पे रिमाइंडर में जाता है तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 111 यहाँ पे बन जाता है तो 16 हमारे पास 16 6 are 96 होता है. 16 6 are 96 तो हम लोग 110 में से 96 अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है 15 रिमाइंडर हो जाता है. अब आप लोगों को पता है कि ए जो है, आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि ए जो है 10 है. हेक्साडेसिमल में ए मीन 10 है, बी 11 है, आप देखें कि ए 10 था, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15. मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास रिमाइंडर एफ 15 है तो हम लोग इसको जो है वो क्या कहेंगे, हम लोग इसको जो है वो एफ कहेंगे. ठीक है, अब इसको रिमाइंड फर्दर डिवाइड करें तो हम लोग देखेंगे 16 ones are 16 है. रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लोग इसका रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 0. और इसको उसी तरह हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे आंसर को और बॉटम टू टॉप हम लोग जो है इसको लिखेंगे. हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और आप लोगों का 15 नहीं, 15 की जगह हम लोग इसकी, क्योंकि हम लोग इसको पोजीशन को देखते हैं तो हम लोग इसकी जो है वो 15 की जगह क्या लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे. अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो है वो इसमें जो डिजिट्स आए हैं उसमें हमारे पास एफ होने की वजह से बेसिकली तो हम लोग को बेस से पता चल जाता है ये नंबर सिस्टम कौन सा है. अदरवाइज़ यहाँ पे एफ़ होने की वजह से भी हम लोग इजीली इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस नंबर को कि ये एक जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है. इसको हम लोग अब बुक से जो एग्ज़ाम्पल है उससे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं. आप यहाँ पे बुक से एग्जांपल देखें. बुक से एग्जांपल में क्या है कि जो है वो द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल डैट रिमाइंडर्स ए इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10, रिमाइंडर ई इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14 एंड रिमाइंडर एफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15. रिमाइंडर्स आर टेकन फ्राम बॉटम टू टॉप टू प्रजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, इसको डिवाइड करके आप लोग देखें, इसको डिवाइड करने से जो है वो 16 4s are हमारे पास 64 है, हमारे पास जो है वो 5 मूव हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास 56 बन गया. उसके बाद 16 3s are 48 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर मूव हो गया. और आप लोग ये देखें कि रिमाइंडर मूव होने के बाद आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो है वो रिमाइंडर यहाँ पे ए आया, मीन के यहाँ पे इसका रिमाइंडर है 10. 10 को जो है वो रिप्रेजेंट किया है ए से. ई जो है, ई को हम लोग जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि ई मीन 14 है, मीन के यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर था वो 14 होगा. ठीक है,
इसी तरह ये रिमाइंडर्स हम लोगों ने साइड पे लिखे हैं और इसके बाद इन सब को जो है वो एक आंसर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब आप लोग जो है वो डेसिमल टू हेक्सा जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, उसके लिए आप लोग एग्जांपल में देख ये आप लोग को मैं जो है वो एक्सरसाइज के लिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है और इसके बाद जो है वो चेक करवाना है। थैंक यू।